तन्नो संघ प्रचोदया इस संसार में आध्यात्मिक कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जिससे यह प्रमाणित हुआ है कि भक्ति से ऊपर कोई भी देवता श्रेष्ठ नहीं है। एक समय की बात है, गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ वन में अनुष्ठान कर रहे थे। चूंकि गोरखनाथ शिव के परम उपासक थे, अतः निर्भीक होकर हवन कर रहे थे। नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये the problem.
करना चाहती है। मधुमक्खी गोरखनाथ के शरीर में प्रवेश कर आंतरिक अंग को खाने लगता है। हे माता, आपके इस प्रयोग को भी मैं विफल करने की क्षमता रखता हूं। गोरखनाथ अपने तपोबल से उस मधुमक्खी को जलाने लगते हैं। श्रद्धालु जो भी भेंट दे आपको स्वीकार करना होगा। तीसरा वचन, आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। मैं वचन देती हूँ। और महाकाली के इन तीन वचनों को देने के बाद गोरखनाथ मधुमक्खी को आजाद कर देते हैं। कठिन परीक्षा में तुम सफल रहे। तुम महादेव की भक्ति में अडिग हो। महादेव और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आपकी जय हो महादेव, जय हो। बोलिए काली मैया की जय।